गोवर्धन पूजन विधि। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन नाम का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां गोबर का भगवान बनाकर उसकी भली भांति पूजा करती हैं और संध्या के समय अन्न आदि का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात ऊस गलाउबास मीन्स बाधा कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। उसी दिन नवीन अन्न का भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है तथा सब अतिथियों सहित भोजन कराया जाता है। तो इस व्रत की कथा कुछ इस तरह से है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में विशेषकर ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं, इसलिए हमें गऊ के वंश की उत्पत्ति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए ना केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हम सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए इसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारी और देश दोनों की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने ज्यों ही पर्वत वन गोबर की पूजा करनी आरंभ कर दी। त्यों ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल झड़ी लगा दी, परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी चिचली उंगली पर उठाकर व्रज को बचा लिया। इंद्र को उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी। कार्तिक में वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, अतः उस समय हमें इंद्र को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके सिवा सर्दियों में ताप के लिए ईंधन की अधिक आवश्यकता हुआ करती है, इसलिए हमें अंधाधुंध वृक्ष पौधे और घास सहित गोबर को कदापि न जलाकर उनसे खेती की और अपने गऊ की पशुओं की अन्न की उन्नति ही करते रहना चाहिए। यही कारण है कि हम गोवर्धन के पश्चात उस पर वादा करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि हम गोबर को उपयोगी मानते हुए उसे खेतों में डालेंगे, उससे अन्न उगाएंगे, बोकर करेंगे, उस पर बैल चलाएंगे और आपत्ति काल के सिवा उसे कभी भी नहीं जलाएंगे। इस प्रकार गौ वंश की उन्नति के लिए घास और पौधे लगाकर सदैव वृक्षों की रक्षा करते रहेंगे, अन्न आदि से अतिथियों की पूजा करते रहेंगे और कभी भी उनका निरादर नहीं करेंगे। तो हमें इस गोवर्धन की कथा से प्रकृति की रक्षा करने की शिक्षा मिलती है। जय श्री कृष्ण।